हेलो एवरीवन, तो चलिए आज बनाते हैं क्रिस्पी चिकन बॉल्स। ये स्नैक्स ना आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है, बस गर्मा गर्म तलो और खाते जाओ। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले ना आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 150 ग्राम चिकन, फिर उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, फिर उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ और फिर मैं उसको डालूँगी ब्लेंडर में और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो चलिए करते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। फिर हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। मैंने यहाँ पे लिया है 3 बॉईल किया हुआ आलू और फिर मैं उसको अच्छे से ग्रेट कर लूंगी। फिर उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून धनिया, देन 1/2 टेबलस्पून चिली पाउडर, देन सॉल्ट। फिर उसमें डालेंगे कटे हुए धनिया, देन 1/2 लेमन जूस। और ये सब डालने के बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम लोग हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि बॉल बनाते टाइम हम लोग का हाथ में ये चिपके ना। फिर हम लोग इसको छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो चलिए, सारे बॉल्स हम लोग रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हम लोग का सारे बॉल्स, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए, अब हम लोग को लेना है एग। तो हम लोग ने यहाँ पे 2 एग को ले लिया है। तो मैं डालूंगी इसमें 2 एग्स और उसको अच्छे से मिला लूंगी। फिर मैं 1 by 1 सारे बॉल्स को उसमें डिप करूंगी, फिर मैं उसे डालूंगी कॉर्नफ्लेक्स में। तो ये हम लोग का जो है कॉर्नफ्लेक्स, तो मैंने उसको अच्छे से क्रश कर लिया है। तो आप लोग कॉर्नफ्लेक्स के जगह पे ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर विश। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स को अच्छे से क्रश कर लिया उसके, और फिर उसके बाद मैंने 1 by 1 करके सबको रेडी कर लिया। तो देखिए, ये हम लोग का पूरा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग करेंगे इसको फ्राई। तो चलिए फ्राई करते हैं। तो ये हम लोगों ने सबको डाल दिया और इसको हम लोग को अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर हम लोग का पूरा चेंज ना हो जाए, लाइक डार्क गोल्डन ब्राउन कलर का ना आ जाए, तब तक हम लोग को इसको फ्राई करते रहना है। तो ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आया है। सो ये हम लोग का बनके रेडी हो गया क्रिस्पी चिकन बॉल्स। तो आप लोग भी इसको घर पे ज़रूर बनाएं और कमेंट में आप लोग का फीडबैक शेयर करें। तो फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।